कि सृष्टि की रचना मृत्यु लोक पर अगर कोई देव अगर कोई देवता विनाश के समय पर अगर कोई बचा है तो वो केवल शिव बचा है, केवल शिव। कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी 16 जून को केदारेश्वर में, कितनी बड़ी, सब नाश हो गया, सब नष्ट हो गया, सब चले गया, बचा कौन, केवल एक शिव, केवल एक शिव बचा। और उसके बाद भी लोग पूछे कि आखिर तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम तीर्थ क्यों जाते हो, तो जरा विचार कर कर देखो कि इतनी बड़ी त्रासदी होने पर भी एक शिव मंदिर भी टूट कर नीचे गिर जाता। प्रलय के समय पर विनाश पर कुछ भी नहीं, एक पानी का केवल एक बुलबुला, केवल एक बुलबुला। बुलबुले की आकृति क्या होती है? शिवलिंग, केवल शिव। उन्हीं भगवान शंकर के भाग से सुंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने फिर ब्रह्मा को प्रकट करा है नाभि से, और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना कर दी। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करे। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और सत्रुपा को उत्पन्न करा। प्रियवत उत्तानपात पुत्र हुए, कन्या देवहूति प्रसूति का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा ने संध्या और कामदेव को प्रकट किया। जिस संध्या ने भगवान का भजन कर स्मरण कर चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा नदी की बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर उत्तम वर की प्राप्ति करी है, वो चंद्रभागा नदी का तट लिया है, चंद्रभागा नदी का तट। कहां पर है चंद्रभागा? पंडर। आज भी प्रमाण है, अगर चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, चंद्रभागा नदी के बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो, तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाता है। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो भी हो जाता। आप लोग पंडरपुर जावें तो जरूर करें। कल यहाँ पर होगा ना माखन के शिवलिंग का अभिषेक के साथ, है कल का तीसरा अभिषेक होगा माखन के शिवलिंग का। चंद्रभागा नदी के तट पर संध्या ने भगवत स्मरण करा है, भगवत भजन को धारण करा है, और भगवत भजन करते हुए स्मरण करते हुए वही संध्या देवयोग से अरुंधति बनकर वशिष्ठ बाबा के साथ में मंगल विवाह इनका हुआ। आगे जो वर्णन आया देवहूति प्रसूति का, देवहूति कदर्म जी के साथ में बिहाई, आप सबने भागवत जी में सुना है ना देवहूति का चरित्र, कदर्म ऋषि के साथ में बिहाई है, जिनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जो विश्व श्रष्टा ऋषियों को बिहाई है, उसी में से एक अंत ऋषि के साथ में अनसुईया बिहाई है। अनसुईया कौन? जो पतिव्रता धर्म का पालन करे, पति को परमेश्वर माने, पति चरणों का स्मरण करे, पति चरणों को नमन करे, वो अनसुईया मैया है। जो पति चरणों का रोज स्मरण करती है, रोज चरण छूती है, आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, जरा हाथ उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 नहीं, वो 8.5 समझ में आ गया मेरे को, उठाया था गिरा दिया, मैं समझ गया करवा चौथ और तीज पे पड़ती होगी, ऐसे तो समझ जाता हूँ मैं बिल्कुल, भले हैदराबाद की भाषा नहीं समझ में आए इधर की वो आड़ी टेढ़ी, पर बाकी की तो समझ जाऊंगा। चलो अच्छा है, कई कई तो ऐसी हैं जिन्होंने पड़ोसन ने उठाया तो अपन भी उठा दो, अपना कौन जा रहा है, कौन घर देखने आया कि पढ़े कि नहीं पढ़े। पर देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था,
बच्चे के पीछे एक बैठे थे एग्जाम के टाइम पर, एक के पीछे लिखने को आ गया था, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का झांक कर देखा और लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, देखा देखी कभी ना करें। पढ़ते हो तो उठाओ, नहीं पढ़ते, परंतु मेरा निवेदन है, अनसुईया जी का चरित्र सुन रहे हो, शिव महापुराण में भागवत में भी आता है, भागवत में भी अनसुईया जी का चरित्र है। अनसुईया जी का चरित्र अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए, अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों को नमन करने वाली, रोज प्रणाम करती। आपसे भी निवेदन है रोज प्रणाम करो। पहली पहली बार शरम आए तो इतना घूंघट रख के पढ़ो, पर प्रणाम जरूर करो। नियम बना लो, बिल्कुल आज से नियम ले लो कि कल से मैं बिल्कुल पांव पढ़ के आऊंगी, ये पक्का। पहली वाली बार उनको भी शर्म आएगी तो 500 का नोट देगा, पक्का है। नियम बनाओ, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे रोज प्रणाम करने में जाता क्या है, प्रणाम होना चाहिए। जितनी आप भक्ति को धारण कर रहे हो, जितना आनंद सुख को श्रवण कर रहे हो, वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली। एक बार इंदौर में हम कथा कह रहे थे, कथा कही हमने, कथा में बोला अपना, पहले इसमें कथा चल रही थी तो हमने कहा कि जितनी कथा यहां सुन के जाओ सारी की सारी कथा अपने घर पर अपने पति को अपने परिवार वालों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू बैठी थी, 4-5 महीना 6 महीना शादी का हुआ था, वो रोज अपने घर पे कथा सुनाए, रोज प्रतिदिन। 3 दिन बाद वो कथा में आई तो उसका पति भी आया। उसने कहा गुरुजी आज मेरा सेठ आया, आज मेरा पति आया। मैंने कहा बहन मिलवाना जरूर हो। बाद में आए तुलसी लेने के लिए, उसने प्रणाम करा, गुरुजी मेरे पति हैं। मैंने पूछा क्यों रे भैया, 2 दिन तो कथा में नहीं आया, 3रे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूं। पूरी रात बैठ कर कथा ही सुनाती है, कम से कम दिन में बैठ कर कथा तो सुन लूंगा। आप भी नियम ले लो, कथा श्रवण कराना है, कथा सुनकर जाने पर जितना हम ग्रहण कर जा रहे हैं वो किसी को सुनाया जाए, कहा जाए, नियम से सुनाए। नहीं सुने तो चरण दबा दबा के सुनाए। चरण दबाना भी बड़ी विचित्र बात है। अभी हम आ रहे थे ट्रेन से हैदराबाद उतरे, कौन सी थी वो, दक्षिण। हमारी 3 बर्थ इधर की, 3 बर्थ इधर की, सामने की 2 बर्थ एक पति पत्नी की। उनने पूरी विष्णु पुराण की पलट दिया। हमेशा हमने देखा कि नारायण सोए तो लक्ष्मी चरण दबाए, पर वह ट्रेन में लक्ष्मी सो रही दर्पण की ओर मुख करके कांच की ओर, और नारायण भैया। निवेदन है थोड़ा सत्कर्म की ओर, थोड़ा धर्म की ओर चलिए, थोड़ा सा धर्म की ओर चला जाए, सत्कर्म की ओर चला जाए। प्रतिदिन प्रणाम करिए, अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों को नमन करने वाली, अपने पति के चरणों के अनुकूल चलने वाली, पति के अनुसार रहने वाली, वो माता अनसुईया। और जो पति के अनुकूल है उसी के घर में परमात्माओं का निवास है। श्री नारद जी महाराज ने अनसुईया जी के चरित्र को देखा, एक बार घूमते हुए अनसुईया मां का चरित्र देखकर चले गए सीधे भगवान विष्णु के पास में, भगवान नारायण के पास में। और नारायण के पास में पहुंचे, नारायण जी के पास में जहां पर जाना था, नारायण तो थे नहीं, लक्ष्मी महारानी विराजमान, बैठ गए। श्रीमन नारायण जाप कर रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रे नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले मैया भूख लग रही है, कुछ होए तो देओ ना माँ। भूख लग रही है? हाँ। तुरंत अंदर गई,
और लक्ष्मी मैया मोतीचूर का चार लड्डू ला कर दी, ले रहे नारद खा ले। नारद जी ने जो लड्डू खाया, खाते से कहा, मैया लड्डू तो क्या अनसुईया जी के घर का था, एक खाओ और धाप जाओ। अब तो लक्ष्मी जी का काटे से खून नहीं, बताओ खाया हमारा, और बखान कर रहा वन अनसुईया जी का। क्यों रे, ये अनसुईया कौन, कौन है अनसुईया? नारद जी महाराज बोले, मैया अनसुईया, मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों को नमन करने वाली, पति चरणों को प्रणाम करने वाली, पति चरणों को साष्टांग करने वाली, ऐसी माता अनसुईया, क्या जोरदार लड्डू बनाया था मैया, तेरे तो चार खा लो और उसका एक लड्डू खा लो ने धाप जा। मुंह उतर गया किसका, लक्ष्मी जी। मेरा आप सबसे निवेदन है, पत्नी कैसा भी भोजन बनाए हमेशा तारीफ करके खाओ। नारद जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लक्ष्मी जी के आगे अनसुईया जी की बड़ाई कर दी। लक्ष्मी आपसे निवेदन है, कैसा भी भोजन हो, भोजन की हमेशा बड़ाई होना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या कहना, बहुत जोरदार। लक्ष्मी जी ने पूछा, ये अनसुईया कौन है? नारद जी बोले, अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति चरणों को प्रणाम करती है। लक्ष्मी जी बोली, क्या मेरे सातित्व से बड़ा सातित्व है उस अनसुईया का? नारद जी बोले, मैया तुम क्या लगो, अब तो इतना कह दिया तो वो रही, तुम क्या लगो, इतना शब्द का संबोधन सुना। नारद जी ने यहां पर आग लगाई और सीधे पार्वती जी के यहां पहुंच गए श्रीमन नारायण। माता पार्वती जी ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, मैया, ओ मैया। हाँ बोलो नारद, कैसे आना हुआ? मैया तू कितनी भोली भाली है, कितनी सीधी सादी है माँ, तेरी एक सोतन भगवान शंकर की जटा में बैठी है। मेरी सोतन? हाँ। शिव जी की जटा में? हाँ। जटा खोल के देखूं? नारद जी बोले, अभी मत खोलो, मैं चले जाऊं उसके बाद देखना। नारद जी तो गए, पार्वती मैया कैलाश पे चढ़ के भगवान शंकर की जो जटा को खोली, खोलने के लिए आतुर ही हुई। इतनी देर में भगवान भोलेनाथ बोले, क्यों री, अरे पार्वती क्या कर रही है, गंगा में बह जाएगी। पार्वती के गंगा में भेजाऊं भेजान दो, पर मुझे बताओ क्या मेरी सोतन तुम्हारी जटा में है? इतने में शंकर जी बोले, क्यों नारद आया था क्या? क्योंकि उसके सिवा कोई आग लगा नहीं सकता, ये पक्का है।